किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसकी टांग काट दो, वो व्यक्ति चलना छोड़ देगा। लेकिन शायद ये भूल गए कि इस बार जिसकी उन्होंने टांग काटी है वो चलना छोड़ो दौड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि ये लोग भूल गए कि 13 वर्ष की आयु में अपने घर में तुलसी पत्र रखकर हिंदुत्व की हुंकार भरते हुए व्यासपीठ पर अपनी आवाज से सनातन धर्म की जय हो ऐसी हुंकार लगाने वाला आशुतोष झा था। जिस वक्त धर्मांतरण के विरोध में कोई आवाज नहीं उठाता था, उस वक्त धर्मांतरण कैसे रोका जाए इसका विचार उस बच्चे के मन में था। जिस वक्त लव जिहाद के विरोध में बात करना अपराध था, उस वक्त लव जिहाद के विरोध में आवाज उठाने वाले हमारे विचार थे। जिस वक्त गौ हत्या लैंड जिहाद के विषय में बोलना अपराध था, उस वक्त इन्हें रोकने के लिए रास्तों पर हम उतरे थे। पता है किसके बदौलत? किसी का सपोर्ट था इसलिए नहीं, क्योंकि हमें पता था एक ना एक दिन हमारे इस विचार को लोग समझेंगे, लाखों सनातनी एकत्रित आएंगे। और हुआ ही ऐसा। आज से 10 वर्ष पूर्व हम वीडियो बनाते थे और आज भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज के समय में ज्यादा क्रिएटर हो गए लेकिन ग्राउंड पर उतरने वाले बहुत कम है, जमीनी स्तर पर काम करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। इसीलिए उन्हें रोकने के लिए उनकी जड़ को, उनके पैरों को काट दो। और ठीक उसी प्रकार से हमारे सबसे बड़े YouTube चैनल आशुतोष झा थॉट्स को रोकने के लिए उसे डीमोनेटाइज कर दिया गया है। एक के बाद एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन की खबर ट्विटर पर ली गई और ट्विटर पर हमारे अरेस्ट करने की बात कही गई, लेकिन ट्विटर के ऊपर भी हमारे सपोर्ट में आप लोग आए और आज चैनल डीमोनेटाइज हो गया तो इन लोगों को लगता है कि हम रुक जाएंगे। साथियों, हमें पता है कि आप समर्थन करेंगे, इसलिए जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग आपके मन से जो भी इच्छुक हो आप भेज सकते हैं, और अगर आप नहीं भेज सकते तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जिनको ये लगता है कि हम चुप हो जाएंगे गलतफहमी अच्छी है।